हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डीके रॉक्स। तो भाई क्या हाल है सभी भाइयों के? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। भाई आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी स्प्लेंडर प्लस में कौन सी एलईडी हेडलाइट और हॉर्न यूज करे हैं मैंने, और इसका कितना प्राइस पड़ा था मुझे जब मैंने दोनों चीजें लगवाई, और इस दोनों चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है बैटरी पर। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों ये वाले हॉर्न लगवाए हुए मैंने अपने स्प्लेंडर में, देख सकते हो आप, ट्रम्पेट कहते हैं इसे, ट्रम्पेट हॉर्न है ये, ठीक है। और इसकी पोजीशन पहले मैं बता दूं आपको, पहले लगवाए हुए थे मैंने ये इस साइड में, ऊपर की साइड में इधर लगवाए हुए थे मैंने ये हॉर्न पहले, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्क्रैचेस आ गए थे। तो मैंने यहाँ से हटवा करके ये पोजीशन रखी है। तो आप भी इस तरीके से लगवा सकते हो। इसमें लगेगी ये पत्ती जो कि आपको मैकेनिक वाली शॉप पर मिल जाएगी, मैकेनिक से भी लगवा सकते हो। तो ये वाली पत्ती आपकी इस तरीके से लगेगी, जो एंगल है अपना लेग गार्ड, इसके अंदर पत्ती इस तरीके से लग जाती है इसी के बोल्ट के थ्रू। दूसरे वाला भी इसी तरीके से लगा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया पोजीशन है इस तरीके से। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये पड़े थे मुझे 220 के आसपास, साथ में रिले अलग से मिलती है, मतलब टोटल खर्चा हो गया था। ये वाली रिले आप देख सकते हो, इस रिले के साथ में लगते हैं वाले हॉर्न, और टोटल जो खर्चा हुआ था हॉर्न प्लस रिले और वायरिंग और मैकेनिक वगैरह के टोटल बैठ गया था 300-350 के आसपास, मतलब काम बढ़िया हो गया था 300 से 350 तक में। और ये इसको हो गया है लगभग 1 साल हो गया है, देख सकते हो आप, काफ़ी पुराने हो गए हैं। और इसमें बात करें इसको, इसकी जो ख़राब होने का रीज़न होता है वो मेन पर्पस होता है पानी जाने से, या तो बरसात में, या फिर जो आपने देखा होगा जब वॉशिंग कराता है तो बंदा कोई ध्यान नहीं देता, तो इसमें प्रेशर लग जाता है पानी का, जिसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उस पानी को अगर सुखा दिया जाए तो दोबारा ठीक भी हो जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, अगर पानी चला गया था बरसात के टाइम पर तो 15-20 दिन बाद इसका पानी ऑटोमेटिक सूखने का, दोबारा से हॉर्न काम करने लग गए थे पानी सूखने के बाद। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी से बचा के रखना पड़ता है। आप पॉलीथीन इस पर कवर कर सकते हैं जब बरसात का टाइम हो, या इसे वॉशिंग पे ले जा रहे हो तो उससे पहले से पॉलीथीन से कवर कर दो। तो ये तो हो गई हॉर्न की बात। अब बात करते हैं एलईडी हेडलाइट की। तो गाइस देख सकते हो आप, ये एलईडी हेडलाइट है मेरी चिप वाली इस बाइक में जो लगवा रखी मैंने अपनी स्प्लेंडर में, और ये है 3 और 2 5, देख सकते हो आप, इसकी 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 चिप वाली है ये। और नीचे आप देख सकते हो पार्किंग बल्ब है, जो छोटा सा पार्किंग बल्ब वो भी एलईडी का ही है। और इसको एक बार जला के दिखाता हूँ मैं, तो इसकी फुल रोशनी देख सकते हो आप, बहुत ही हाई बीम पे जल रही है। तो बस इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये प्रॉपर पूरी हाई बीम में ही जलती है, इसका लो बीम नहीं है, ठीक है गाइस। पार्किंग बल्ब है वो शायद ख़राब हो गया है, देख सकते हो हल्की सी लाइटिंग कर रही है। इसके अंदर फैन लगा हुआ है देख सकते हो अब, यहाँ पे इस जगह पे अंदर, जो कि हीटिंग को कंट्रोल करता है, थोड़ी बहुत जो हीटिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। और इस हेडलाइट को यूज़ करते हुए हो गए मुझे 3 साल से ऊपर। ये मैंने बाइक अपनी ली थी 2016 में, 2016 मॉडल है मेरी बाइक का ये, तो उसी टाइम पे लगवाई थी जब मैंने नई बाइक ली थी, 1-2 महीने बाद ही लगवा ली थी ये। तो काफ़ी बढ़िया चल रही है अभी तक, ये 3 साल पूरे हो चुके हैं, बल्कि 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ख़राब का सिस्टम कोई। बाकी एक चीज़ और बता दूं मैं, इसकी गारंटी नहीं आती है, बट फिर भी आप अच्छी क्वालिटी का ले लोगे तो बढ़िया रहेगा। एलईडी हेडलाइट एक बार ही लो, बढ़िया वाली लो जो कि अच्छी खासी रोशनी करते हो। रोड लाइट ना हो तो वहाँ दिक्कत आती है, बट ये अगर एलईडी हेडलाइट लगी हुई है आपकी बाइक में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी के कारण आप बहुत ही सही बाइक चला सकते हो। तो भाई बताना चाहूँगा, इसमें जो बैटरी लगवाई हुई है
वो मैंने नवंबर 2018 में लगवाई थी, यानी कि 1.5 साल पूरा हो चुका है इसे। और जो बाइक के साथ बैटरी आई थी उसको 2 साल हो चुके थे, यानी कि हॉर्न और LED लाइट के साथ दो बैटरी चल जाती है आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी है इतना।